नमस्ते, आज मैं कपीबा के गेट स्लिम जूस के बारे में बात करने वाला हूँ। एक बात ध्यान देना कि इसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं, तो ज़्यादा दिन तक इसका यूज़ मत करना। 6 महीने यूज़ करके इसे बंद कर देना। लॉन्ग टर्म तक इसका यूज़ मत करना। मेरे 4 मित्रों ने इसका यूज़ किया, अप्रॉक्स 4 से 5 महीने तक यूज़ किया। 3 फीमेल थी और 1 मेल था। एक बंदे का वेट कम हुआ, मतलब एक लड़की का वेट कम हुआ और किसी का वेट कम नहीं हुआ। तो मैंने पूछा रियलिटी क्या है, क्यों तीनों का वेट कम नहीं हुआ। तो जो बंदी कैलोरी कम लेती थी, डेली वॉक करती थी, डेली एक्सरसाइज करती थी, उसका वेट कम हुआ। बाकी तीनों बंदे थे वो कुछ नहीं करते थे, नॉर्मल खाना खाते थे, ऑफिस जाते थे, उन लोगों का वेट कम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, आप कितना भी जूस पी लो, आप कैलोरी के काउंट को जब तक कम नहीं करोगे आपका वेट नहीं कम होने वाला है। एक एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा है जिसे 2000 कैलोरी पर डे चाहिए। वो ऑफिस का काम करता है, दिन भर अपने कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करता है, तो उसे कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे में। बट वो खाना 3000 कैलोरी ले रहा है, 4000 कैलोरी वो डेली इनटेक कर रहा है और खर्च कितना कर रहा है 2000 कैलोरी। तो वेट कहाँ से कम होगी आपकी? तो कहने का मतलब ये है, आप कितना भी गेट स्लिम जूस पी लो, आपका गेट स्लिम जूस पीने से ये फ़ायदा होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट ठीक हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। बस इतना ही ठीक होगा, आपका वेट नहीं कम होने वाला जब तक आप कैलोरिक इंटेक को कम नहीं करते हो। कैलोरी के इंटेक को कैसे कम करना है, इस पर एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। जादू डाइट नाम से एक डॉक्टर ने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसे जाके देखो। उस चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर उस जादू डाइट को आप यूज़ करते हो, फॉलो करते हो और साथ में इस ड्रिंक को लेते हो। तो वैसे ये ड्रिंक कोई ज़्यादा फायदेमंद या फ़ायदा करने वाला चीज़ नहीं है। कोई भी आप मेडिसिन को ले लो या किसी भी चीज़ को ले लो, मैंने यूज़ करके देखा है। मैंने प्लिक्स को यूज़ किया है, एप्पल इसका ACV जो आता है, एप्पल साइडर विनेगर, बहुत सारे जूसों का यूज़ किया। जब तक मैंने कैलोरी के इंटेक को कम नहीं किया, मेरा वेट कम नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए अपने वेट को कम करने में, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब तक आप कैलोरी इंटेक को कम नहीं करते हो। जी हाँ, जितना कैलोरी की आपको आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उससे कम कैलोरी आपको लेना है, या उतना आप कैलोरी लेते हो, बाकी आप एक्सरसाइज करके, वॉक करके आप कैलोरी को बर्न कर लेते हो, तो ही वेट आपका कम होगा। आपका मेटाबॉलिज्म रेट सही होना चाहिए, आपका डाइजेशन सिस्टम सही होना चाहिए। ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट और डाइजेशन सिस्टम को तो इम्प्रूव कर देगा, बाकी कैलोरी काउंट कैलोरी को तो कम आपको खुद से करना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप कैलोरी को कम नहीं करोगे तब तक आपका वेट कम नहीं होने वाला है। आप कितना भी जूस पी लो, आप कुछ भी पी लो, और ज़्यादा इसका यूज़ मत करना। प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं तो लॉन्ग टर्म आपको हानि कर सकता है। डब्बे वाली चीज़ों को तो मैं लेने को मना ही करता हूँ, तो इसमें भी प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं। तो 5-6 महीना यूज़ करो, वेट अगर कम हो रहा है तो ठीक है। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो, कैलोरी के काउंट को कम नहीं करते हो, तो पैसे बर्बाद करो, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है SafarWithMayank। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो जल्दी मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।